डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? डियर वंस, आज इस वीडियो के में मैंने एक नया एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है। आई होप दैट यू ऑल विल लाइक इट एंड एंजॉय इट एंड विल बी बेनिफिटेड टू। आप इसको पसंद करेंगे और इससे आपको लाभ भी होगा। ये नया एक्सपेरिमेंट है कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपके सिलेबस के, उसके आंसर देने की कोशिश की है और एक ट्रिक भी बताई है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे मैं आगे भी इस तरह की नई नई ट्रिक्स यूज कर सकूं आपके बेनिफिट के लिए, आपके फायदे के लिए। क्या है ये लेसन नंबर 1 है 10th क्लास का, द एंचेंटेड पूल, क्लास 10 यूपी बोर्ड। गॉट इट? इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो मैंने लिख दिए हैं। वैसे तो बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं, 20, 50, 30, फिर भी जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो उसमें सेलेक्ट किए हैं। और एक चीज और देखेंगे, हर शॉर्ट क्वेश्चंस के आगे ब्लू कलर का मैंने हिंट दिया है। दिस इज द बेसिक आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इस पूरे क्वेश्चन का इतना छोटा सा ही आंसर है, लेकिन हम इसे बड़ा करके भी लिखेंगे, ठीक है? क्योंकि इस पर कोई मार्क देगा नहीं। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आ सकते हैं तो यही आंसर मिल जाएगा, ठीक है? तो एक साथ दो तरह के आंसर आपके तैयार हो जाएंगे इससे। एक तो शॉर्ट क्वेश्चन लिखना सीख जाएंगे 30 वर्ड्स के जो आते हैं, दूसरा अगर इनकेस ऑनलाइन एग्जाम होता, जैसे कि संभावना पूरी है बच्चों, इसलिए मैं स्पेशली ये वीडियो आपके लिए बनाया है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, वहां पर ही आपकी हेल्प करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इस वीडियो में आपको मिल रही है। ओके, देखिए द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैड द पांडवास गॉन इन सर्च ऑफ। पांडव लोग किसकी तलाश में गए? एक छोटा आंसर, वाटर। जब आपको लंबा सा आंसर लिखना तो क्या लिखेंगे? द पांडवास, यहां से हेल्पिंग वर्ब उठाएंगे, हैड गॉन इन सर्च ऑफ वाटर, आंसर हो गया ना। ये देखिए, क्वेश्चन हटाया, हैड उठाकर यहां रखा, द पांडवाज हैड गॉन इन सर्च ऑफ वाटर, है ना? कितना आसान। नंबर 2, व्हाट डिड युधिष्ठिरा डू व्हेन ही सॉ हिज ब्रदर्स लाइंग डेड। युधिष्ठिर ने क्या किया जब अपने भाई को मरा हुआ देखा? दो बातें की, पहली बात सॉरी, बहुत दुखी हुआ। देन ही वॉज ऑल्सो सरप्राइज, वेरी, उसे बड़ा आश्चर्य भी हुआ इस बात का, बिकॉज उस वक्त इस दुनिया में भीम से बड़ा शक्तिशाली और अर्जुन से बड़ा धनुर्धर कोई नहीं था, वो दोनों एक साथ पड़े हुए थे वहां। सो अब आंसर कैसे लिखेंगे? व्हेन युधिष्ठिरा, यहां से उठाएंगे, व्हेन युधिष्ठिरा सॉ हिज ब्रदर्स लाइंग डेड। देखिए, ये हटा देंगे हेल्पिंग वर्ब्स, केवल ये क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वर्ड उठाएंगे यहां से, व्हेन और युधिष्ठिरा और ही, इसी के लिए आया ना, युधिष्ठिरा नाउन ही, इसका प्रोनाउन। ट्रिक भी सीखी, रटिए मत, मैंने कभी अपने बच्चों को रटाना नहीं सिखाया। बी द पार्ट ऑफ द लेसन, बी द हार्ट ऑफ द लेसन। ओके, एसेंस पकड़िए और आंसर बना के लिखिए। तो क्या होगा? युधिष्ठिरा, व्हेन युधिष्ठिरा सॉ हिज ब्रदर्स लाइंग डेड, जब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को मरा हुआ देखा, क्या करा? कॉमा, ही वॉज वेरी सॉरी एंड ही वॉज ऑल्सो वेरी सरप्राइज बिकॉज His brave brothers were killed by some unknown power. उसे इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है। दो काम किए, दुखी हुआ इस बात से और आश्चर्यचकित भी हुआ। अच्छा लगा ना आपको? तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, why did the pool belong to? ये शायद whom होगा, whom did the pool belong to? इस पूल का संबंध किससे था? The pool belonged to एन यक्ष, कोई यक्ष थे जो रूप लेकर आए थे धर्मराज, जैसा हमें पता है। केवल छोटा सा आंसर हो गया। देन नेक्स्ट, हाउ डिड द यक्षा रिवार्ड युधिष्ठिरा, युधिष्ठिर ने कैसे रिवार्ड किया? आप आंसर लिखेंगे, युधिष्ठिरा रिवार्डेड युधिष्ठिरा, यक्षा, द यक्षा रिवार्डेड युधिष्ठिरा बाई गिविंग हिज ब्रदर्स दियर लाइफ अगेन, और बाई मेकिंग हिज ब्रदर्स अलाइव अगेन, क्या काम करा? उनके भाइयों को पुनर्जीवित किया जो मर गए थे, इस तरह से उन्होंने रिवॉर्ड किया, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, वाई हैड यमा टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, यमराज ने यक्ष का रूप क्यों लिया? छोटा सा आंसर है, टेस्ट करने के लिए। किसका टेस्ट? युधिष्ठिर का, ऑब्वियसली। तो यही से उठाएंगे, यमा हैड उठा के ले जाएंगे यहां से, वाई हटा देंगे, टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष टू टेस्ट युधिष्ठिर, हो गया? और लंबा करना है, टू टेस्ट युधिष्ठिरा अबाउट हिज विजडम, उनके ज्ञान के विषय में। तो
तो और अच्छा लगेगा, शायद टीचर एक मार्क एक्स्ट्रा दे दें आपके लिए, है ना। बढ़िया, नेक्स्ट पर आइए बच्चों। व्हाट क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिरा प्लीज द यक्षा मोस्ट, कौन सी क्वालिटी अच्छी लगी? जस्ट, जस्टफुलनेस, न्याय प्रियता, इसी के लिए युधिष्ठिर जाने जाते थे। सो आप यहीं से उठा लेंगे, द यक्ष वाज प्लीज बाय युधिष्ठिराज क्वालिटी ऑफ जस्टफुलनेस, या यहीं से उठा लेंगे, द क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिरा, युधिष्ठिर का गुण फॉर हिज जस्टिस, न्याय के लिए प्लीज्ड द यक्षा मोस्ट, यक्ष को खुश कर दिया। नेक्स्ट है, हाउ कैन बी हैप्पी, हम कैसे खुश रह सकते हैं? बाय गुड कंडक्ट, इफ वी हैव गुड कंडक्ट, अगर हमारा कार्य व्यवहार सही है, हमारे जीवन जीने का ढंग सही है, तो हम खुश रहेंगे। फाइनल क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ वी आर प्राउड ऑफ, हमें अगर घमंड हो जाएगा तो क्या होगा? इफ, यहीं से उठा लेंगे, इफ वी आर प्राउड ऑफ कॉमा पीपल विल बिगिन टू हेट अस, लोग हमसे घृणा करेंगे। आपको ये आंसर्स कैसे लगे, इनको लिखने का पैटर्न कैसा लगा, ये मेथड आपको कैसा लगा, ये ट्रिक आपको अच्छी लगी या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर अपने कमेंट दिया करें। और अब तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो जरूर करिए, 10th क्लास, फर्स्ट ईयर एंड 12th क्लास, इन सारे क्लासेस के यूपी बोर्ड के और फर्स्ट ईयर का जो एनसीईआरटी की बुक है हॉर्नबिल, उसके बारे में सारे जो एक्सप्लेनेशन हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे, इसके बारे में हम इस चैनल के थ्रू आपको बताते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें।